Even स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो था हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर पे तो आई थिंक आपको पता होगा कि हमने 43 थ्री क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर दिए थे तो आज का टॉपिक भी हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर पे जो एम है उनको डिस्कस करना है ठीक है टॉपिक हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर ही रहेगा और फोटी थर्ड क्वेश्चन के आगे हम डिस्कशन शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे तो डिस्कशन से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोकने में कोई कसर मत छोड़िए क्योंकि हम लोग आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं और बाकी जो यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो उम्मीद है कि हम ऐसे ही करते रहें और आपसे भी जो उम्मीद है वो जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहा होगा तो यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए उसमें कंजूसी मत करिए देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको राइट में एक वर्कशीट दिखेगा वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर से लेके फिफ्टी तक गिवेन है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर से स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्या है आपका कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए दिया हुआ है इन द रिएक्शन यहाँ पर एनीसोल दिया है एनीसोल प्लस एच आई एट द टम्परेचर थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन गिब्स ए प्लस बी यहाँ पर ए और बी जो लिखे हुए हैं वो आपके क्या हैं अनडिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पर लिखा है आगे प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर आपसे ए एंड बी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूछे गए हैं तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन में जो रिएक्शन है उसको पहले हम यहाँ मेंशन करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्टी फोर फोर्टी फोर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये एनीसोल दिया हुआ है ठीक है एनीसोल में क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये आपका मेथाइल लगा हुआ है उसके साथ में उसने लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड एच आई ठीक है टेम्परेचर हमको कुछ भी दिया हो हमसे उससे मतलब नहीं है हमको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसका ध्यान रखना है देखिए यहां पर ये जो एच आई है हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है यहाँ पर ये जो एनीसोल है ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस है ठीक है तो यहाँ पर इस पर हम फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में स्टेबल जो आपकी इंटरमीडिएट है वो कौन सी है तो यहां पर देखते हैं देखिए यहाँ पर जैसे इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें ध्यान दीजिएगा एनी सोल में अगर ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर एक हमको फिनोक्साइड आयन मिलता है फिनोक्साइड आयन क्या होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा ये ध्यान रखना ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटेगा यहां पर केवल वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है जिससे स्टेबल एनायन या फिर स्टेबल कैटाइन फॉर्म हो तो यहां पर एनायन बन रहा है कैटाइन तो बन नहीं रहा है तो यहां पर हम देखना हमको पड़ेगा कि कहां से हमारा एनायन जो है स्टेबल बन रहा है तो देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा ठीक है और बनाएगा क्या फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और ये जो फिनॉक्साइड आयन होती है मैंने आपको अभी बताया है फिनॉक्साइड आयन क्या होती है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है ये आपकी रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है ठीक है जब रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो यहां पर प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे देखिए एक तो यहां पर क्या होगा ये जब ब्रेक हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव पार्ट यहां कर लग जाएगा देखिए ये आपका क्या देगा ये पिनॉक्साइड आयन देगा समझते चलिएगा क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही आपके मेन हैं ये पिनॉक्साइड आयन है आपका और ये जो फिनॉक्साइड आयन है देखिए इसका जो पॉजिटिव पार्ट है यहां से ये देखिए प्लस एंड माइनस आयनिक बॉन्ड अलग हो जाएंगे यहां क्या होगा यहाँ भी प्लस एंड माइनस अब देखो इसका नेगेटिव पार्ट किसको अटैच करेगा इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को अटैच करेगा और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को अटैच करेगा तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है आपका ठीक है ये कहाँ आ जाएगा ये आपका इसके पास आ जाएगा और ये जो नेगेटिव पार्ट आप देख रहे हैं ये कहाँ चला जाएगा ये इसके साथ चला जाएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपके दो बनेंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ देखिए एक तो आपका फिनॉक्साइड से ही बनेगा ये आपका फिनॉक्साइड आयन था ठीक है इसके साथ कौन सी इस जाएगी पॉजिटिव पार्ट वाली आएगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है अपोजिट चार्ज आते हैं हमेशा ध्यान रखना प्लस दूसरा जो होगा यहाँ पर आयोडीन सी एस थ्री के साथ आ जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो ये तो आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया अब आप इसमें सर्च कर लीजिए ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन आपके दिए हुए हैं देखिए पहला ऑप्शन है सी सिक्स एच फाइव आई ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फिनॉल क्या नाम है बेंजिंग के साथ आयोडाइड नहीं बन रहा है दूसरा आपका कौन सा है दूसरा आपका है सी सी सिक्स एच फाइव ओ एच यानी कि ये जो सी सिक्स एच फाइव ओ एच है ये इसी को हम लिखते हैं यहां पर सी सिक्स एच फाइव हो जाएगा और दूसरा सी एस सी आई है तो यहां पर जो फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सभी लोग इसको टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर चेक कर लीजिए सभी लोग आगे के भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं क्योंकि उसमें यहाँ पर सी सिक्स फाइव के बाद में एक और कार्बन बढ़ा दिया है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है देख लीजिए सभी लोग पिनोक्साइड आयन क्यों बनेगा और इसकी वजह से ही क्यों होगा ये ध्यान रखिएगा मैंने लिख दिया है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और पिनोक्साइड आयन बनेगा पिनोक्साइड आयन इसलिए बनेगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है इसमें है तो वही चीज हमेशा बनती है रिएक्शन में जो आपकी ज्यादा स्टेबल होती है तो यहां पर ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखिए सभी लोग वेन कीटोन्स आर ट्रीटेड विद ग्रीगनाड रीजेंट ठीक है ध्यान से पढ़िएगा कीटोन्स ठीक है विद टू कार्बन सॉरी थ्री कार्बन विद ग्रीगनाड रीजेंट फॉलोड बाई हाइड्रोलिस विद डायलूड एसिड्स द प्रोडक्ट इज बहुत आसान है देखिए कीटोन्स जो होते हैं वो आपके कितने कार्बन के होते हैं देखिएगा मान लेते हैं जैसे ये कीटोन है आपका ठीक है यहां पर आर आर डैश आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं और एक आपका ग्रिंगनाड रिजेंट दिया है ग्रिंगनाड रिजेंट में मान लेते हैं ये डबल डैश है एम जी एक्स यही तो होता है ठीक है देखो प्रोडक्ट यहां पर जो भी आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा हो एसिड हाइड्रोलिसिस हो या कोई भी हाइड्रोलिसिस हो उससे हमें मतलब नहीं हमें यहाँ पर ऑप्शन देखना है कौन सा करेक्ट है क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स में टाइम बहुत कम रहता है ठीक है तो टाइम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है देखिए यहां पर सबसे पहले आप ये पिक करिए कि जो ऑक्सीजन है अगर यहां से हट जाता है तो यहाँ पर एल्कोहल की ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल्स दी है एक एल्कीन दिया हुआ एल्कीन का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि जब भी गृहनाड रिजेंट आपका रिएक्ट करेगा इससे तो हमेशा आपके एल्कोहल ही फॉर्म होंगे ध्यान रखना ये आपका क्या है ड ठीक है ये आपका ग्रिंगनाड रिजेंट था तो ग्रिगनाड रिजेंट जब भी इससे रिएक्ट करेगा तो ही बनेगा यहां से अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक तो पोजिशन कौन ले जाएगा इसका मेथाइल ग्रुप ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा ध्यान दीजिए ये वाला मेथाइल ग्रुप ले जाएगा ये आर अलग हो जाता है एम जी एक्स अलग होता है और ये ओ एच भी अलग हो जाता है तो दूसरा क्या होता है एक हाइड्रोजन ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा और एक जो है वो आपका

तो जरा बताइए इसमें क्या हो जाएगा देखिए एम जी ओ एच एक्स देखिए इससे हमें मतलब नहीं है ये तो बाई प्रोडक्ट है ये आपका बाई प्रोडक्ट है इसको ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है ये जरा बताइए ये कितनी डिग्री एल्कोहल है ये आपकी थ्री डिग्री एल्कोहल है तो ऑप्शन जरा चेक कर लो सभी लोग कि थ्री डिग्री एल्कोहल कहीं दिया है अगर थ्री डिग्री एल्कोहल दिया है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा देखिए इसमें थ्री डिग्री आपका सी ऑप्शन है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा टिक मारिए सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय के टू सी आर टू सेवन एंड इन कंसेंट्रेट एस टू सुपोर देखिए एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से वही आपके एल्कोहल नहीं ऑक्सीडाइज होते हैं जो आपके थ्री डिग्री एल्कोहल होते हैं क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो आपका वन डिग्री है वो टू वन डिग्री है टू डिग्री है ये तो आपके ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ठीक है और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं या तो एल बना लेते हैं या फिर आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बट आपका जो थ्री डिग्री है वो नहीं होता है थ्री डिग्री किस में जाता है थ्री डिग्री आपका एलकिन बना लेता है क्योंकि थ्री डिग्री में टर्चरी कार्बोकटाइन बनने के चांसेस होते हैं इसलिए यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है देखिए इसमें कौन सा आपका एल्कोहल ऐसा होगा जो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है चेक करिए सभी लोग देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स की बात कर रहा हूं इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में जो सी वाला ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स की बात कर रहा हूँ देखिए वन डिग्री एल्कोहल ये कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना सभी लोग वन डिग्री एल्कोहल हो या फिर आपका टू डिग्री एल्कोहल हो ये दोनों ईजिली ऑक्सीडाइज ठीक है ये आपके बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किससे हो जाते हैं विद एसिडिक एसिडिक में आप चाहें वो एस लिख दें या फिर ये लिख दें कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही सही हैं के टू सीआर टू O7 ठीक है इसे इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो एल्को एसिड दे, दे देते हैं बट जो थ्री डिग्री एल्कोहल है ये आपका डज नॉट ऑक्सीडाइज ठीक है ये क्या करता है इट गिव एलिमिनेशन ठीक है ये आपका एलिमिनेशन देता है और आपको हमने हेलो एरिन वाले जो चैप्टर में डिस्कशन में कर रहा था क्वेश्चंस पे हमने आपको बहुत बार बताया था कि जब एलिमिनेशन होता है तो हमेशा आपका क्या बनता है एल्कीन बनती है तो एलिमिनेशन करके ये क्या देता है एल्कीन दे देता है ऑक्सीडाइज नहीं होता है ठीक है तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले में क्या है आपका चर्चिरी एल्कोहल दिया है कि नहीं दिया देखिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये दिया है कि नहीं सी एच थ्री का होल थ्राइज सी ओ एच ये दिया है इसमें ये क्या? ये क्या है और ये ऑप्शन सी वाला है देखिए सभी हो जाएगा। क्योंकि आपके जो होते हैं, वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं ठीक है कॉपर के साथ भी अगर कराएंगे तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे वो करते के, क्या करते हैं एल्कीन फॉर्म कर लेते हैं अभी इसमें इसी कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको और भी आगे मिलेंगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कार्बोक की स्टेबिलिटी वाला ही है ठीक है मोस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा होगा टर्शियरी एल्कोहल ही होता है क्योंकि यहाँ पर टर्शेरी एल्कोहल ही होगा ध्यान रखना टर्शेरी एल्कोहल क्या फॉर्म करता है फॉर्म्स थ्री डिग्री कार्बोकटायन क्योंकि ये जो थ्री डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो आपका बहुत तेज रिएक्शन करता है थ्री डिग्री कार्बोकैटाइन और ये क्या है ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होता है तो जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो जाहिर सी बात है वो आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी हो जाएगा बहुत जल्दी बनेगा रिएक्शन बहुत जल्दी करा देगा तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जिसमें थ्री डिग्री अल्कोहल लिखा गया है ऑप्शन ए में लिखा गया है देखिए ऑप्शन नंबर ए जरा चेक करिए सभी लोग यही तो लिखा हुआ है चेक करिए देखिए सी एच थ्री यहाँ भी उन्होंने सी एच थ्री दिया है यहाँ भी सी एच थ्री दिया है और ये ओ OH एच दिया है तो ये वाला एल्कोहल कौन सा है ये थ्री डिग्री एल्कोहल है और यही वाला एल्कोहल ये क्या करेगा रिएक्शन में कार्बो कटाइन बनाएगा ठीक है ये जो आपका कार्बो कटाइन है यही इसी की स्टेबिलिटी है मेन ये बहुत जल्दी बनता है बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा टिक मारिए फटाफट ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ओके लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए उसमें कंजूसी मत करिएगा कोई लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नए लोग जो हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देखेंगे सभी लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज विद के टू आर टू सेवन एंड एस टू एसो फोर टू गिव बहुत आसान है अभी मैंने आपको बताया था आइसोप्रोपिल प्रोपिल एल्कोहल क्या होता है देखिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है आपका वो क्या देगा ठीक है आइसोप्रोपिल एल्कोहल में एक चीज तो आप सबसे पहले समझ लीजिएगा कि इसमें कौन सा कार्बो कार्बोकेटाइन बनेगा या फिर आपके कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ऐसे हैं जो भी इसमें प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर ही आप आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट की मैं बात कर रहा हूं देखिए इसमें लिखा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल पहले तो आप आइसोप्रोपिल एल्कोहल को डिजाइन कर लेते हैं देखिए यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऐसे होता है फॉर्मूला सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच सी एच टू ओ एच ये दिया हुआ है ठीक है अब इसको क्या करना है इसको इसका ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन करने के बाद में इसे ऑक्सीडेशन किससे करना है हमारा ऑक्सीडेशन हमें करना है इससे के टू सी आर टू सेवन से के टू सी आर टू सेवन से करना है तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा एच टू फोर इससे करना है हमको तो ये जो आपका एल्कोहल है ये है कौन सा एल्कोहल पहले तो ये ध्यान दीजिए देखिए यहां से आइसो प्रोपाइल ग्रुप जो है वो ये होता है ठीक है आइसो प्रोपाइल ग्रुप अब ये जो आइसो प्रोपाइल ग्रुप है अगर इसका ऑक्सीडेशन आप कर देते हैं तो ये बनेगा क्या देखिए यहां पर ये आपका कीटोन टाइप का प्रोडक्ट देगा समझने वाली बात है सी एच है यहां पर इसका ऑक्सीडेशन ऐसे ही तो होगा ठीक है और यहां पर आपका ये जो इतना पार्ट है ये अलग हो जाएगा अब एसिडिक है तो इसकी वजह से हाइड्रोजन भी चला जाएगा तो ये बना क्या है वास्तव तो में ये जो बना हुआ है ये क्या है ये कीटोन बना है तो ऑप्शन में देखिए जरा कहीं कीटोन दिया हुआ है ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट में देखिए जी दिया हुआ है बी वाला दिया हुआ है सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री दिया हुआ है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये लर्निंग स्किल का क्वेश्चन है ध्यान रखना सभी लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी ठीक है ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टी नाइन इथेनॉल ऑन वार्मिंग विद कंस ऑफ फोर एट फोर हंड्रेड थर्टीन कैलविन गिप्स ठीक है इसमें देखो बहुत आसान है ये इथेनॉल है ध्यान रखना मैं दोनों चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ देखिए ऑप्शन इसमें एक ऐसा भी दिया है जो कन्फ्यूज करने वाला है इसमें इथेनॉल लिखा है अगर आप इथेनॉल यूज करते हैं ध्यान देना सभी लोग 413 हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर पर और किसके साथ में H2SO4 और ये भी H2SO4 कैसा हो कंसनट्रेट हो तो यहाँ डाई एथाइल डाई एथाइल इथर बनेगा ध्यान रखना डाईथाइल ईथर बन जाता है और अगर इससे कम टेम्परेचर पर आप कर रहे हैं या फिर ज्यादा टेम्परेचर पे कर रहे हैं ये तो कम है इससे ज्यादा अगर ले रहे हैं तो फिर यहां पर इथीन एथीन बन जाती है यानी कि एथिलीन गैस बनती है तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है ठीक यहां पर सब्स्टिट्यूशन है वहां एलिमिनेशन हो जाता है तो यहां पर ये यह, ये होता है मीथेनॉल अगर हो यहां पर ठीक है और ये दोनों चीजें सेम हो तो यहां पर डाई मेथाइल ईथर बनेगा देखिए मैं ये नीचे वाला इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑप्शन में देखिए जरा डाई मेथाई लीथर भी दिया है सी वाले ऑप्शन में चेक करिए यहाँ पे इसमें देखिए सी वाले ऑप्शन में डाई मेथाई लीथर भी दिया है और बी वाले में डाई एथाइल लीथर दिया है तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इसमें गलती से ये ये वाला ऑप्शन भी लग सकता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको नहीं लगाएंगे ये वाला हमारा सही होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इथेनॉल दिया है इथेनॉल नहीं दिया है इस चीज़ को ध्यान रखना मैंने इसीलिए दोनों डिस्क्रिप्ट कर दिए आपके यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा ठीक है दोनों के बोथ हाफ आंसर्स बी आर करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखिए इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव प्रोपेन टू ऑल प्रोपेन टू ऑल दिया इसने यानी कि सेकंड पोजीशन पर एच ग्रुप लगना है और आप सोच लीजिए इसमें देखिए पहला वाला जो रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा सारे रिएक्शंस के प्रोडक्ट आपको चेक करने पड़ेंगे देखिए पहला जो रिएक्शन है इसमें लिखा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू यही तो दिया है हाँ ठीक है हाई और यहां पर एसिड के प्रेजेंस में इसको हम करा रहे हैं तो देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा सॉरी यहां पर सी एच थ्री भी है आगे ठीक है ये आपका प्रोडक्ट ये आपका रिएक्टेंट इस तरह से है प्लस ठीक है अब देखिए यहां क्या होगा जी जब बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो आपका मार्कोनी रूल लग जा मार्कोनी रूल लग जाएगा यहां पे क्यों क्योंकि यहां पर देखिए एच टू जो है वो ओ एच एंड एच पॉजिटिव में अलग होगा यहां पर ये यह जो H है इसको क्या करेगा डिस्ट्रैक्ट कर देगा इसमें आयनिक करेक्टर प्रोड्यूस कर देगा जिसकी वजह से ओ एच अलग हो जाएगा एच अलग हो जाएगा अब हाइड्रोजन उस पोजिशन को पकड़ेंगे जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है तो ज्यादा हाइड्रोजन किस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है इस कार्बन पर है तो इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा एक हमने ये इधर लगा दिया ठीक है और ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया अब यहां पर क्या लगेगा यहाँ ओ एच लग जाएगा सी एच सी एच थ्री यहां पर लग जाएगा नीचे को या ऊपर को कहीं को भी लगा दो OH. अब आप देखो जरा ये टू, टू प्रोपेन ऑल है कि नहीं है काउंट करिए काउंटिंग करिए आईयूपीएस चेक करिए इसका देखिए काउंटिंग चाहे इधर से करो इधर से करो दोनों तरफ से सेम ही है वन टू एंड थ्री तो इसका आई क्या हो जाएगा टू प्रोपेन या प्रोप टू ऑल प्रोपेन टू ऑल ठीक है कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है प्रोपेन टू ऑल और इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है देखिए पहला ही हमारा जो रिएक्शन है उसने हमारा जो आस्किंग uh, प्रोडक्ट था उसने कर दिया है उसका तो मतलब जो आपका ए ऑप्शन है फिफ्टी वाला वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको अपना टाइम बचाना है ध्यान रखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो रेस्ट आपके आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है आपको टाइम खराब होगा आपका उतना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए क्वेश्चन नंबर 51 चेक करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्या है वन देखिए इसमें तीन ही ऑप्शन दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है हमको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना कि हमको चार ऑप्शन से मतलब है फोर्थ ऑप्शन इसका मे बी नन ऑफ दीज होना चाहिए था बट इसमें बाई मिस्टेक छूट गया होगा कोई दिक्कत नहीं है वन प्रोपेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिग्नाइज बाई अच्छा वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल को कैसे हम

बट यहां पर बा, बाकी आगे जो फेलिंग सोल्यूशन वाली है वो समस्या आ रही है तो यहां दूसरे वाले में भी हो जाएगा ठीक है फेलिंग सोल्यूशन से भी हो जाएगा बट यहां पर जो ऑक्सीडेशन बाई लिखा है सी यू इससे आप अलग कर सकते हैं देखिए यहां पर क्योंकि यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं ए और बी में आप के टू सी आर टू सेवन से करिए या फिर आप केमेनो फोर से करिए दोनों से आपके क्या बनेंगे दोनों से आपके सीधे एसिड बन जाएंगे ठीक है अब आप एसिड से तो उनको नहीं कर सकते हैं मैं यहां पर देखिए पूरा इसको क्लियर किए दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है फिफ्टी वन ध्यान दीजिएगा सभी लोग देखिए इसमें लिखा हुआ है वन प्रोपेनॉल वन प्रोपेनॉल का मतलब क्या हुआ प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन वाला एक एल्कोहल है सी एस थ्री सी एस टू सी एच टू ओ एच यही तो है ठीक है इसको मैं बीच में लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए चलिए देखिए यहां पर ये जो एल्कोहल था अभी जो हमने लिखा था यहां पर वो कौन सा था प्रोपेनॉल ठीक है प्रोपेनॉल था ये आपका एल्कोहल था आपको उसने तीन कंडीशंस दे रखी हैं एक तो उसने केमेनोफोर से दिया है ठीक है एल्कलाइन केमेनोफोर एल्कलाइन का मतलब आपका कोई बेस इसमें रहा होगा दूसरा उसने दिया है रिएक्शन के टू सी आर टू सेवन से और के टू सी आर टू सेवन का एसिडिक मीडियम में रख दिया है उसने, कोई दिक्कत नहीं तीसरा उसने दिया है कॉपर के साथ में तो अब देखिए इसी को मैं ट्रीट कर रहा हूं और मैं बाद वाले को भी ट्रीट करूंगा देखिए इसको क्या करना है ये जब आपका ऑक्सीडेशन करेगा यहां पे ध्यान रखिएगा वन डिग्री एल्कोहल है तो ये तीनों आपके जो हैं सी एस थ्री सी एस टू सी एच बनाएंगे ठीक है ये आपके तीनों के तीनों एक ही कंडीशन में रहेंगे और तीनों ऑक्सीडेशन के बाद में लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ही जनरेट करेंगे थ्री कार्बन का अब यहां पे आप देखिए कि ये जो तीनों हैं आपके एसिड ये कभी भी फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेंगे ठीक है यहां पर लिख सकते हैं दीज आर नॉट रिएक्ट विद फलिंग सोल्यूशन ठीक है ये फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके फेलिंग सोल्यूशन से कार्बोक्स क्या नाम है केवल आपके कार्बोक्सिलिक वो जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उन्हीं में डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है तो ये तो हो गया खराब अब देखिए इसमें होता क्या है जो दूसरा वाला है ध्यान दीजिएगा इसमें टू प्रोपेनॉल जो दिया है जैसे आपका ये दिया है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ एच ये दिया हुआ है जरा इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर केमेनो फोर से अगर आप इसको ट्रीट करेंगे इन प्रजेंस ऑफ एल्कली यानी कि एल्कली एल्कलाइन केमिनो फोर से करें या चाहें आप के टू सी आर टू ओ सेवन से करें एसडिक के आर के टू सी आर टू सेवन से करें या आप चाहें इसको सी यू से करें अगर इसको कॉपर से आप कर रहे हैं तो यहां बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा देखिए कैसे होगा यहां पर ये तो आपका बनाएगा सी एच थ्री ठीक है का होल्डवाइज मैं दोनों को एक ही साथ मिला के रख लिख रहा हूं और यहां आपका बन जाएगा सी डबल ओ एच नो प्रॉब्लम ठीक है यहां पर आपका एक प्रॉब्लम है इसमें एक मिनट एक मिनट इसमें जो है दिया है प्रोपेन टू ऑल जरा चेक करिए वन टू ऑल ठीक है सही तो है न, हाँ ठीक है सही है सही है ठीक है ये आपका बनाएगा ये भी आपका सेम ही बनाएगा तो जब दोनों आपके प्रोडक्ट आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना दिए उसने तो यहां तो ये तो दोनों आपके बिल्कुल बेकार हो गए एक आपका केमिनो फोर वाला आंसर बेकार हो गया एक आपका सेवन वाला बेकार हो गया बट ये जो आपका कॉपर वाला है ये देखिए क्या बनाएगा ये कुछ तो ये तो कुछ और ही बना देगा यहां पर एक तो ये सी एस थ्री रहेगा और ये आपका ये बना देगा ये आपका एलकीन बना दिया इसने अब ये जो एलकीन है यहां ध्यान दीजिएगा ठीक है इसका जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये तो बना देगी कीटोन ठीक है ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगी ये अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये कीटोन बनाएगी यानी कि सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री बनाएगा और ये बाकी के दोनों क्या बनाएंगे ये दोनों एल्डिहाइड बनाएंगे ठीक है ये भी LDAID बनाएगा। अगर बीच में रोम दिया आया तो दोनों बनाएंगे। अब इसके बाद में क्या है यानी कि फेलिंग सोल्यूशन तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है और एल जो होते हैं वो आपके दे देते हैं तो यहां पर केवल जो कॉपर वाला है यही वाला आपका सही होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा ये बहुत ही डीप थिंकिंग वाला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है नोट कर लीजिए सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसन टू सो फोर द फर्स्ट इनिशियल स्टेप इज बहुत आसान है देखिए ये आपका लर्निंग स्किल का है यहां पर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा फिफ्टी टू का बी ठीक है फिफ्टी टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू देखिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू मैं आपको सारे स्टेप्स बता दे रहा हूं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में पहला स्टेप जो होता है वो क्या है आपका पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ठीक है दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बो बनता है दूसरे स्टेप में ठीक है और जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है या फॉर्मेशन आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एलकीन लिख सकते हैं फाइनल फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन ठीक है तो ये तीन स्टेप आपके इन्वॉल्व होते हैं डिहाइड्रेशन में ठीक है अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनेशन वाला दिया हुआ है टिक मारिए फटाफट सभी लोग ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी होगा पहला नहीं ऑप्शन नंबर दूसरे ऑप्शन में दिया है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दिस इज लर्निंग स्किल और ये क्वेश्चन पीछे प्रीवियस वीडियो में भी आया था तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट करिए फटाफट स्क्रीन जरूर लेते रहें सोलूशन्स के और वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करें ताकि सारी चीज़ आपको एकदम से क्लियर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू हमने कर लिया है फिफ्टी थ्री पे चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ईजिली फॉर्म अ एलोप्रसिपिटेट ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन तो देखिए यहाँ पर आयोडीन की बात की है और एल, एलोप्रसिपिटेट की, की बात कर ली उसने तो जब एलोप्रसिपिटेट की बात कर ली है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है देखिए अगर परसिपिटेट की बात करें हमेशा ध्यान रखना सभी लोग ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है एलो पीपीटी की बात करें किसके साथ में विद आई टू ठीक है एल्कलाइन आई टू तो हमेशा समझ जाना कि ये आपका कौन सा टेस्ट है आयडो फॉर्म टेस्ट है ठीक है आयडोफॉर्म टेस्ट है आपका एलोप्रसिटिटेट बन रहा है अब आयडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो कंडीशन होती है वो कौन कौन सी होती है वो भी आप ध्यान रखिएगा मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किए फिर मैं बता दे रहा हूं आयडोफॉर्म जो होता है टेस्ट उसमें जो आपका एल्कोहल है या जो कंपाउंड है उसमें दो ग्रुप्स होने चाहिए एक तो आपका ये ग्रुप होना चाहिए एसाइल ग्रुप सी एस थ्री सीओ ग्रुप ठीक है और दूसरा आपका ये होना चाहिए सी एस थ्री सी एच एच oh, ये ग्रुप होना चाहिए ये दोनों ग्रुप अगर हैं तो आपका आ, ये जो आपका आयोडो आयो फॉर्म टेस्ट है वो होता है अब यहां पर आप सर्च कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी एच थ्री सी ओ या फिर सी ग्रुप्स थ्री सी एच ओ एच नहीं है देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये जो आपका है इसमें सी थ्री ओ एच ठीक है इट हैज नो सी एस थ्री सी ओ और सी एस थ्री सी एच ओ एच ग्रुप तो जब इसमें नहीं है तो ये क्या नहीं करेगा इट डज नॉट गिव एलोप्रसिपिटेट ये आपका एलोप्रसिपिटेट नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि इसमें ग्रुप नहीं तो यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा एलो नहीं फॉर्म करेगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर मैं लिखे दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी देखो ये क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट हुआ है तो आई थिंक आपको भी ये लर्न हो जाना चाहिए कि जो आइडो फॉर्म की कंडीशन हैं वो क्या हैं ये जो आपके दो ग्रुप होते हैं मैं यहाँ पर सर्किल एक ग्रुप है और एक ये ग्रुप है ये दोनों दोनों में से अगर कोई भी है तो आइडो फॉर्म टेस्ट देगा अदरवाइज नहीं देगा ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपके सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आ सकता है और ये तो आपके भी ऑब्जेक्टिव चल ही रहे हैं चलिए नोट करिए इसको क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर देखिए सभी लोग स्क्रीन पे देखिए दिया हुआ है एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजली इज अभी मैंने बताया था किस कंपाउंड को या किस देखो इसमें जितने भी नीचे दिए हैं सब के सब एल्कोहल्स दिए हैं ठीक है थीके? आपको उसने पूछा है कौन सा एल्कोहल आप सबसे इजीली डिहाइड्रेट कर सकते हो तो मैंने आपको बताया था कि वो अल्कोहल सबसे जल्दी इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा जिसका जो आपका टर्शेरी कार्बोकेटाइन बनाए तो जरा ढूंढ के बताओ इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होना चाहिए कौन सा आपका एल्कोहल ऐसा है जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाया रहा है देखिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है इसमें इन्होंने लिखा है लिखा है सी एच थ्री ठीक है फिर आगे है C फिर आपका है सी एच टू सी एच थ्री यहाँ पर ये ओ OH एच लगा दिया है और ये आपका सी एच थ्री है देखिए मैंने आपको बताया था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करके हम चेक करते हैं देखिए इसको आप ब्रेक करिए ये जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ अगर इसको हम हटा दें यहाँ से तो ये जो आपका बन रहा है ये क्या बना रहा है ये थ्री डिग्री कार्बो का बनाएगा ये आपका थ्री डिग्री कार्बोकटैन बना रहा है और बाकी वाले जो हैं इसमें भी देख लीजिए जैसे आपका यह दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन इसमें भी चेक कर लीजिए सभी लोग बी वाला ऑप्शन क्या है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू फिर है आपका सी एच और ये ओ OH एच दिया है ये सी एच थ्री लिखा है एक चीज और बता दे जो आज पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं देखिए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन होता है हमेशा इसको हम फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है ये कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है एक इस कार्बन से जुड़ा एक इस कार्बन से जुड़ा और एक इधर इस कार्बन से जुड़ा है तो जितने कार्बन से जुड़ा होता है उसको उतनी डिग्री हम देते हैं यहाँ थ्री कार्बन से जुड़ा था तो थ्री डिग्री देंगे इसको जरा ब्रेक करिए ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ ठीक है अब ये कैसा कार्बो कटाइन होगा देखिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है एक इधर कार्बन से जुड़ा है एक इधर कार्बन से जुड़ा है ठीक है तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है दो कार्बन से जुड़ा है तो ये बनाएगा टू डिग्री कार्बो कटाइन ये थ्री डिग्री नहीं बनाएगा एक और ऑप्शन चेक करो देखो अभी ये वाला है अभी हमने दो और ऑप्शन चेक करने हैं क्या पता हो सकता है इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो तो यहां पर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है सी एच थ्री बिल्कुल स्ट्रेट चैन है सी एच टू सी एच टू ओ एच जरा ब्रेक करिए इसको इस बॉन्ड को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहां नेगेटिव चार्ज यहां पॉजिटिव चार्ज अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं केवल एक कार्बन जुड़ा है तो ये कौन सा कार्बो कटाइन बनाएगा ये आपका वन डिग्री कार्बो कटाइन बनाएगा ठीक है सबसे सस्ता कार्बो कटाइन बना रहा है ये अभी तक जो ऑप्शन है सबसे सुपीरियर आंसर यही होना चाहिए नेक्स्ट आपका है डी वाला चेक करते हैं डी वाले में क्या है कहानी सी एच थ्री सी एच टू बड़ा लंबा है ये मॉलिक्यूल। सी एच यहाँ पे है यहां पे उन्होंने ओ एच लगा दिया है आगे है सी एच टू सी एच टू सी एक मिनट यहाँ पे सी एच थ्री लगाया है यहाँ सी थ्री है ठीक है अब देखो होगा क्या यहाँ पे इन्होंने ओ एच लगाया है कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करते आ रहे हैं उसी को आप ब्रेक करिए इसको ब्रेक करिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये कैसा कार्बो कटाइन होगा देखिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये किससे जुड़ा है ये एक कार्बन से जुड़ा है बाकी अदर कार्बन से जुड़े हो उससे मतलब नहीं होता हमें केवल जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उससे मतलब होता है तो ये भी कैसा कार्बो कटाइन बना रहा है ये भी आपका वन डिग्री कार्बो कटाइन बना रहा है और जब वन डिग्री कार्बो कटाइन बनता है तो मैंने आपको बताया था लेस स्टेबल होता है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये वाला सबसे मोर स्टेबल होगा तो जो मोर स्टेबल होगा कार्बो कटाइन ठीक है वही आपका क्या करेगा इजली हाइड्रो हाइड्रोलाइज होगा यहां पर लिखा जाएगा मोर स्टेबल कार्बो कार्बोकटाइन ये जो कॉन्सेप्ट है मेन इसका मोर स्टेबल कार्बो कार्बोकटायन ठीक है क्या होगा इजली हाइड्रोलाइज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा अब हाइड्रोलिसिस रिजेंट आपका कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा बस उसमें टर, कार्बो कटायन आपका टर्शेरी फॉर्म हो रहा हो तो आपका ये देखिए ये वाला ऑप्शन कौन सा दिया है ये वाला ऑप्शन आपका ए दिया है तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा टिक मारो फटाफट ऑप्शन नंबर ए ठीक है एग्जाम्स में आपको ये बहुत जल्दी जल्दी करना होगा मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है ये सारी चीज़ें ये जो पिक्चर है आपके माइंड में चलनी चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम तभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे या फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे नोट करिए इसको क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे चलते हैं द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज ये सभी लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे देखिए इसमें ये जो प्रोडक्ट है कंसनट्रेट एस्टोसोफोर के प्रजेंस में कराया जा रहा है फिफ्टी फाइव है और जो आपका रीजेंट है जरा वो देख लिए क्या है रिएक्टेंट जो है वो इस तरह से है कुछ यहाँ पर ओ OH एच लगा रखा है इन्होंने और ये यहाँ पे इस तरह से दो मेथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और इसको उन्होंने कहा है कि कंसनट्रेट एस्टोसोफोर के साथ में हमें ट्रीट करना है इसको डिहाइड्रेट करना है तो यहाँ डिहाइड्रेशन ही होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है डिहाइड्रेशन ही होगा देखिए यहां पर कुछ नहीं लगा है इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है पर पर एक एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन होना होना चाहिए होना चाहिए ठीक है और इस हाइड्रोजन को हमें किसके साथ हटाना है इसके साथ हटाना है तो पहले देखिए क्या होगा ये जो एसिड है एसिड से एच प्लस निकलेगा ये कहा अटैक करेगा इसके ऑक्सीजन पर करेगा फिर ये क्या होगा ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा यहां से वाटर निकल जाएगा माइनस एच टू तो अब आप देखिए जब ये यहां से ये बाहर निकलेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाता है कभी भी दे के नहीं जाता हमेशा ध्यान रखना तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई और कोई ऐसा मेथड है नहीं जिससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो पाए तो हाइड्रोजन ही सबसे बेचारा कमज़ोर जो होता है सबसे हाइड्रोजन ही होता है तो अपने आ, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो जरा देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये नेगेटिव चार्ज आया ये पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ से एस टू वो यानी कि ये ओ OH एच और ये एच दोनों आपस में मिल गए एस टू वो बना के यहाँ से निकल लिए और बचा क्या यहाँ पर ये यह प्लस माइनस आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस था ठीक है और ये पोजिशन आपकी प्लस थी

जितनी कम है वैलेंसी उतने हाइड्रोजन होते हैं ठीक है ये आप समझ समझ के समझ के चलिएगा तो यहां से देखिए क्या क्या निकल के बाहर गया है एक तो ये ओ एच निकल के गया था एक ये एच निकल के गया दोनों निकल के ये आप क्या बना लिए एस टू बना लिए ये आपका प्रोडक्ट देखिए किस ऑप्शन में आपका है ऑप्शन नंबर ए e है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा टिक मारो फटाफट ऑप्शन नंबर ए e विल बी करेक्ट ये कौन सा रूल था ये आपका क्या है ये रिएक्शन कौन सा है ये डिहाइड्रेशन है ठीक है यहाँ पर हुआ क्या है यहां पर आपका डिहाइड्रेशन हुआ है किसका हुआ है ये क्या था आपका ये एल्कोहल था एल्कोहल कंपाउंड था ये एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया है तभी वाटर बाहर निकल के क्या है और जब भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो हमेशा एल्कीन ही बनती है बट यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये टफ इसलिए है क्योंकि इसमें चार के चारों ऑप्शन में एल्कीन ही मैंशन कर दी गई है आपको इन एल्किस में से बेटर एल्कीन सेलेक्ट करनी है तो आई थिंक आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्टी सिक्स विच आर विल गिव विद सी एंड एन एच इसमें डी वाली प्रॉब्लम है चलिए चलिए देख लेते हैं इसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स पे जाए सभी लोग देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका फिनोल के साथ में फिनॉल के साथ में सी एओ और एन ए ओ एच के साथ में फिनॉल देगा तो एक तो सैल्सरिक एसिड है नहीं देगा बेंजोइक एसिड है बेंजोइक एसिड दे सकता है ठीक है क्योंकि सैल्सरिक एसिड में क्या होता है सर्सरिक एसिड में आपका सी एच ओ भी इन्वॉल्व होता है और सीओ एच भी होता है इसमें केवल फिनॉल की बात की है तो डिकार्बोक्सिलेशन जो होती है आपकी रिएक्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपका बेंजोइक एसिड है बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है C6 H5 COOH अगर इसको आप यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH से ट्रीट करते हैं ये जो आपका रीजेंट है ये क्या है ये डिकारबॉक्सिलेटिंग रीजेंट है यहाँ से CO2 बाहर निकाल देगा ठीक है और CO2 बाहर निकाल के इसमें पूछा है अमीनो एसिड सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए हम्म ये नहीं देगा ये आपका क्या बनाएगा देखिए मैं बता दूं आपको ये बनाएगा आपका सी सिक्स एच सिक्स बनाएगा ठीक है और CO2 टू बाहर निकाल देगा CO2 टू बाहर निकाल देगा डी हो गया बट यहां पर जो सैलिसिलिक एल्डिहाइड है ध्यान देना सभी लोग सी सिक्स एच फाइव ओ एच है और आपका सी ओ ओ एच भी होता है यहाँ पर तो यहां अगर ये आपका कंपाउंड यहां पर डिकारबोक्सिलेशन इसका किया जाता है तो ये आपका फिनोल दे सकता है क्या कैसे C6, H5, OH बना लिया प्लस आपका सी टू बाहर निकाल दिया उसने ठीक है देखिए यहां पर ये जो कंपाउंड है ये होता ऐसे है मैं इसका होम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग ये आपका ऐसे होता है ओ OH, एच ठीक सेल्सिल एसिड का फॉर्मूला ये है अब सल्सलिक एसिड का होता क्या है ये जो आपका पूरा ग्रुप है ये यहां से क्या होता है ये डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है डिकार्बोक्सिलेशन जो होती है रिएक्शन उसमें CO2 पूरा बाहर चला जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाता है अब देखिए ये जो बचेगा ये क्या बचा है ये पूरा फिनोली तो बचा आपका डिकार्बोक्सिलेशन के बाद में यही तो बनाएगा ये आपका बचेगा यहां पर हाइड्रोजन है भी तो कोई दिक्कत नहीं तो ये है क्या आपका ये है तो फिनोली और यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स तो आज आपने क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर से लेकर फिफ्टी सिक्स तक के डिस्कशन किए टोटल ट्वेल्व क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज के इस वीडियो में तो सभी लोग आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा इनका स्क्रीन समय पर लेते रहें ताकि आपको विद सोल्यूशन मैटर आपके पास में रहे आप इसको कलेक्ट कर सकें और चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट इसके आगे यानी कि 57 के आगे जो 56 के आगे 57 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो हमारे इस चैनल पे नए लोग हैं उनको जरूर सब्सक्राइब करना है लाइक शेयर जरूर करें जितने भी लोग हैं जितने आपके कॉन्टैक्टर हैं सभी को जादा से जादा से शेयर करिए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो आपका हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए